आरपीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सोनी। आरपीटीवी न्यूज की खबरें देखने के लिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाइए और साथ ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए पास में बेल आइकॉन दबाइए। कलेक्टर ने साइकिल से पहाड़ी पहुंचकर किया पौधारोपण। बड़वानी जिला पर्यावरण के लिहाज से बहुत समृद्ध है, इसका संरक्षण जरूरी है। इस पहाड़ी पर जिस प्रकार से पौधारोपण कर उसका संरक्षण किया जाएगा, यह सराहनीय है। श्री शिवराज सिंह वर्मा ने पहाड़ी स्थित शिव मंदिर में श्रावण मास के आखिरी सोमवार दर्शन किया। वहीं ग्रामीणों की मांग पर इस पहाड़ी को न्यू सर्किट हाउस की तरह पहाड़ी पर नर्सरी तैयार करने की मांग पर साइकिल लेकर बड़वानी से 9 किलोमीटर दूर गांव लोनसुरा मोटी बैडी पहुंचे कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने पहाड़ी पर यह बात कही। वह यहां पर आज पौधारोपण करने पहुंचने थे। 9 किलोमीटर साइकिलिंग कर अल सुबह सोमवार को आज ग्राम लोनसरा के शिव मंदिर टेकड़ी पर बड़वानी कलेक्टर श्री शिवराज सिंह जी वर्मा के सानिध्य में ग्राम लोनसरा के ग्रामीणों की उपस्थिति में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़वानी जिले के वन मंडल अधिकारी अनुपम सहाय, बड़वानी के तहसीलदार राजेश पाटीदार, बड़वानी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बीएस चौहान, जनपद पंचायत के सभी अधिकारी कर्मचारी, ग्राम सचिव, साथ ही रेवा कुंज हैप्पीनेस क्लब के सभी सदस्य, जिसमें आनंद क्लब के मास्टर ट्रेनर अनिल जोशी, ओम शर्मा, दीपेश पांडे एवं समस्त पर्यावरण प्रेमी उपस्थित थे। कल जो रेस्ट हाउस है, जो नया रेस्ट हाउस बना हुआ है, बड़ा गांव शायद लगता है, वहां पर बड़वानी के काफ़ी युवा लोगों द्वारा और सुबह ही उठ करके वहाँ पहाड़ी पर 10,000 पौधे लगाए। मैं भी 8-10 दिन से उनके साथ में मैं शामिल हो रहा था। मुझे कल तहसीलदार से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे ये बताया था कि ये लोनसरा जो गांव है, यहाँ पर एक बहुत अच्छी पहाड़ी है और यहाँ पर गांव के लोग भी बहुत अच्छे हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पर पूरी पहाड़ी का वृक्षारोपण हो और यहाँ पर नर्सरी तैयार की जावे। तो आज मैं DFO के साथ में और बाकी हमारी जो टीम के साथ में मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ के लोगों ने आज ढेर सारे पहाड़ी पर गड्ढे खोद दिए और आज जैसा कि सावन का अंतिम सोमवार भी है, पहाड़ी पर भोले बाबा के दर्शन करके सभी लोगों ने यहाँ पर आज वृक्षारोपण किया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि हम इस गांव में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे, इस पूरी पहाड़ी पर बड़ा वृक्षारोपण करेंगे और यहाँ पर एक नर्सरी भी तैयार करेंगे और इस गांव को मॉडल गांव बनाने के लिए भी हमारा एक प्लान तैयार कराएंगे।